सर बहुत अच्छा लगा। एग्ज़ाम का लेवल जो है मतलब बहुत इजी है, बस टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर जिसने मतलब टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो अच्छे से पेपर दे सकता है। आप कितना बनाए? मैंने 83 अटेम्प्ट किया है। पिछली बार मैं दो बार मैंने मेंस दे चुका है और मतलब प्रीवियस ईयर से ही आ रहे हैं। और स्टैटिक जीके पे फोकस कीजिए, जीके बहुत एकदम छोटा छोटा आ रहा है, एकदम टू द पॉइंट एकदम क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। और मैथ वैथ सब मतलब इजी ही है, बस टाइम का मतलब लोचा हो रहा है कि अगर टाइम आप सही से मैनेज कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है। बस टाइम मैनेजमेंट सेट लगाइए, मॉक लगाइए, मतलब कि तब जाकर मतलब कुछ हो सकता है आपका। फुल अटेम्प्ट कितना होगा? हाँ, सवाल देखते हो, सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा? 80+। 80+। हाँ, आपको कोई सेक्शन टफ लगा? सेक्शन तो कोई टफ नहीं लगा, मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब टफ नहीं था वैसा कुछ, मतलब वैसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि टफ। रीजनिंग भी इजी था, इंग्लिश भी इजी था, जीके भी इजी ही था, मतलब मैथ थोड़ा सा मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, मैथ भी मतलब इजी ही था। पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है तो पैटर्न में कुछ बदलाव था? पैटर्न में मतलब हल्का बदलाव था, मतलब लॉजिकल थिंकिंग आपके पास है तो आप मतलब कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा ट्विस्टेड ट्विस्टेड करके मतलब दे रहा था, मतलब वही है कि जो जिसने सही क्लिक कर लिया वो भाई राजा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।